महापर्व होली का दिन रंग उमंग व तरंग के उत्सव के कारण यह दिन यूं भी खास होता है। इस बार तो यह खास से बेहद खास होने के साथ ही ऐतिहासिक भी हो गया। हो भी क्यों ना, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 साल से होली के दिन जिस भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा की अगुवाई गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी एवं गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में करीब 2 दशकों से योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं, वह हुआ ही नहीं। लिहाजा शहर को इस अवसर की शिद्दत से प्रतीक्षा थी। तब तो और भी, जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में दोबारा भारी बहुमत से आकर भाजपा ने इतिहास रच डाला। वैसे तो गोरखपुर के लोगों की होली चुनाव परिणाम वाले दिन से ही शुरू हो गई थी, पर आज के ऐतिहासिक दिन को उसी तरह से जश्न मनाने का हर किसी को इंतजार था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में आज जब वह अवसर आया तो लोगों ने ऐसा किया भी। भगवान नरसिंह के रंग भरी शोभा यात्रा का शुभारंभ करने शनिवार सुबह योगी आदित्यनाथ जैसे ही घंटाघर पहुंचे, पूरा शहर योगी के रंग में रंगा सा नजर आया। और हां, यहां जुटे शहर के लोगों ने भी योगी को अपने रंग में रंग डाला। फिर तो सुबह के कुछ घंटों के लिए योगी योगी और जय श्री राम का जयकारा ही फगुआ रूप में था। सीएम योगी की मौजूदगी में कार्यक्रम स्थल अगर कुछ था तो आसमान से बरसता रंग और हवा में उड़ता गुलाल और गुलाब। भगवान नरसिंह की पूजा करने के बाद योगी ने समर्थकों के उत्साह के साथ खुद को जोड़ लिया और अबीर, गुलाल और गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ाते हुए जमकर होली खेली। अनूठी होली की यह परंपरा करीब 7 दशक पहले नानाजी देशमुख ने डाली थी। बाद में नरसिंह शोभा यात्रा की अगुवाई गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर करने लगे। लोगों के मुताबिक कारोबार के लिहाज से गोरखपुर का दिल माने जाने वाले साहबगंज से इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी। शुरू में गोरखपुर की परंपरा के अनुसार इसमें कीचड़ का ही प्रयोग होता था, हुड़दंग अलग से। अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान नानाजी देशमुख ने इसे नया स्वरूप दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय भागीदारी से इसका स्वरूप बदला, साथ ही लोगों की भागीदारी भी बढ़ी। और आज तो जोश, जुनून और संख्या के मामले में शहर के लोगों ने अपने महाराज गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इतिहास ही रच डाला। समस्त नागरिकों और बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सुभाष जी भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, जो धारे अल्पाम दुख
माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी तुम्हारे ने और न पूजा प्रभु बिने और न पूजा आश तरुण गति ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी जब तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम सेवक तुम स्वामी करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो ये जय गोचर रब के द्वार पति रब सबके द्वार पति कृष्ण दले दो दया कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बोले लक्ष्मी भगवान की बोले लक्ष्मी भगवान की Thank you.
मैं आत्मा सिंह यहाँ संचालन करेंगे मंच का। आज की शोभा यात्रा बहुत ही अद्भुत शोभा यात्रा होगी। पूरा महानगर इंतजार कर रहा है पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन का। यहाँ संघ के पदाधिकारी उपस्थित होते हैं, संघ की प्रार्थना होती है, उसमें नरसिंह भगवान की आरती होती है और आरती से फिर अबीर और गुलाल की होली होती है, फूल की होली होती है, उसके बाद फिर यह यात्रा प्रारंभ होती है। पूरे सड़कों पर लगभग 8 किलोमीटर महानगर की जनता बिल्कुल प्रतीक्षा करती है। घरों से, छतों से फूलों की वर्षा, रंगों की वर्षा, अबीर गुलाल की वर्षा, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होता है। कोरोना काल भी था उस काल में, और क्या कोरोना काल में थोड़ा बचाया गया था, लेकिन इस साल बहुत ही ज्यादा उत्साह है। बहुत खुशी हो रही है, पूरा एकदम पूरा महानगर खुशी से उमड़ पड़ा है बिल्कुल। कितनी भीड़ हो जाती है? भीड़ तो लगभग 50,000 के जाते आते हैं, सब पूरा मिलते जुलते रहते हैं लोग, बहुत जबरदस्त भीड़ होती है ये।